अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि वो मैं खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, वीडियो का टाइटल है कंतारा 2, ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, आरजे रौनक। अच्छा, सक्सेस की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसको शोर नहीं मचाना होता, वो खुद अपना शोर इतना मचा देती है कि बहरों को भी सुनाई देने लगता है। कांतारा का ही ले लो, जिस कन्नड़ा इंडस्ट्री को लेकर कई साल पहले मजाक उड़ाया जाता था, उसने एक साल के अंदर ऐसी दो ब्लॉकबस्टर दे डाली जिसने कई सारे एक्सपर्ट्स का ज्ञान पलट के रख दिया। मजा आया, कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है कांतारा। ऑल टाइम रिकॉर्ड करते हुए 400 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब इतना माल छापा है गुरु, तो जाहिर सी बात है कई सारी चीजें अब बदल सकती है। समझ रहे हो? जैसे सीक्वल ही ले लो। एक इंटरव्यू में जब इनके राइटर डायरेक्टर साहब से पूछा गया कि क्या सीक्वल बनेगा, तो उनका कहना था कि कहानी वैसे तो सीक्वल को ध्यान में रखकर नहीं लिखी थी, लेकिन कई सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिसको एक्सप्लोर करके प्रीक्वल बनाया जा सकता है। अब कल जो खबर आई है उसने इस बात की पुष्टि कर दी है। एक्चुअली कांतारा के बाद ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी की अगली फिल्म बैचलर पार्टी को शूटिंग करने वाले थे, लेकिन कांतारा एक ऐसा इवेंट बीच में हो गया जिसने पैन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को एक्सेप्टेंस दिला दी। तो कलाकार हमेशा खुद को कल से बेहतर करने की कोशिश करता है, इसलिए ऋषभ शेट्टी ने भी इस फिल्म की जितनी ज्यादा बात हो सके वो करने की कोशिश की। लेकिन बैचलर पार्टी के इनके को स्टार दिग्नाथ जी ने बताया कि ऋषभ के पास इस फिल्म को करने का टाइम ही नहीं है क्योंकि वो कांतारा 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये खबर ऐसी निकली कि दिगांत के मुंह से भी अब यही निकल रहा होगा क्या? मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब ये जो बात गलती से मुंह से निकल गई है वो फिर भी दो सवाल तो खड़े करती है। पहला, क्या इस फिल्म का स्कोप अभी बचा है, और दूसरा, इसकी कहानी क्या हो सकती है? तो वह इसके स्कोप की बात करते हैं। हाँ, पहली मूवी के हिसाब से देखा जाए तो स्कोप काफी ज्यादा है, जहां पर इसका एक यूनिवर्स भी बनाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। राजा की कहानी हो, शिवा के पिता की कहानी हो, पंजुली देवी फोक टेल्स की बात हो जिसके बेस पर फिल्म बनी है, कुछ भी हो सकता है और कहानी कहीं भी जा सकती है, बस लिखने वाले पर डिपेंड करता है। यही नहीं, ये कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री का केजीएफ के बाद ऐसे सिंबल बन गई है कि इसमें राज शेट्टी और रक्षित शेट्टी को भी इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि वो भयंकर लेवल के क्रिएटिव लोग हैं। दूसरा सवाल कि फिल्म की कहानी क्या होगी, ये कांतारा का प्रीक्वल कही जा सकती है? ऋषभ के इंटरव्यू से तो यही हिंट निकले, शायद वो इसी पर काम कर रहे हैं। अब कांतारा जिस कल्चर को लेकर अपने साथ चलती है, वहां ये कहानी आई कहां से, ये पौराणिक मान्यता का जन्म कहां से हुआ, और डेमीगॉड्स की कहानियां कैसे राजा के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इतने लेवल तक चलती आई, ये सब इसमें दिखाया जा सकता है। कई कैरेक्टर्स को भी मूवी एक्सप्लोर कर सकती है। कर्नाटक में कई सारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जिनके ऊपर कहानी लिखी जा सकती है। अनुपम खेर सर और चेतन भगत के साथ एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने बताया कि वो कन्नड़ फिल्म ही करना चाहते हैं, शायद उनका नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट अब कांतारा 2 ही होगी। आपको क्या लगता है, फिल्म अपने किस भाग को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करेगी, और कांतारा 2 में आप किन एक्टर्स को देखना चाहोगे लिखकर जरूर बताना। क्या हिंदी सिनेमा का भी कोई इसमें फिट बैठता दिखता है आपको, उस व्यक्ति का भी नाम जरूर लिखना और अपना भी नाम जरूर लिखना, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ ओनली ऑन इस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जी जनाब, आपको क्या लगता है? अभी आ नहीं रहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन ये है कि बात हो गई है, क्योंकि वो कह रहे ना, कोई स्टार ने भी बोल दिया, उनकी जबान से बोल दिया कि बैचलर पार्टी में ये काम नहीं करेंगे क्योंकि सीक्वल में लगे हैं इसके। वैसे यार, इस मूवी ने ना, मैं मतलब वाकई 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 एक तबाही मचा दी। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता था, मुझे लगता था बाहुबली के टाइम पे कि एक्सीडेंटली बन गया तो बन गया। नहीं 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 यार, ठीक है, हो गया क्योंकि बहुत मेहनत की गई, कोई एक आधे ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क दिखा दिया, बहुत जीनियस निकल गया वो, जैसे कि मुझे ऐसा लगता था। इत्तफाक से आप समझ, इत्तफाक से हो गया, या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर बहुत अच्छा निकल गया, बहुत जीनियस निकल गया, उसको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ था ये टैलेंट, ठीक है, तो उसने बाहुबली जैसा एक मास्टरपीस बना दिया। फिर जब KGF आई तो मुझे लगा शायद यार ये भी इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं कि ये भी रेयरली आ गया, और ये KGF ने भी इतनी धूम मचा दी थी और KGF इतनी ब्लॉकबस्टर हुई, तो मुझे लगा यार कि चलो एक आधा तो आ सकता है, एक दो तो निकल सकते हैं। लेकिन अब कर्नाटका इंडस्ट्री में कंतारा को देखकर मैं हैरान परेशान हुई कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्का दुक्का नहीं, ये तो सभी टैलेंटेड हैं, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज है ना। साउथ में भी अगर आप देखें, कर्नाटक का अलग इंडस्ट्रीज है, मलयालम का हम देखते हैं वो अलग है, कैनेडा की जो है, तो मैं अब देख रही हूँ कि डिफरेंट जो रीजनल थी और जिनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अभी आपने देखा कि वीडियो में उन्होंने कह दिया कि कर्नाटक का लोग मजाक उड़ाते थे, बिल्कुल ऐसा मतलब इतनी मानी जानी नहीं थी। तो साउथ बॉलीवुड कह रही थी कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़े ऐसे पहले तक करते हम 10 से 15 साल, ज़्यादा भी नहीं, 50-60 साल पहले की बात नहीं कर रही, 10 से 15 साल पीछे भी अगर हम चले जाएँ
तो हम ये सोचते थे कि बॉलीवुड ही सब कुछ है, इसको टक्कर कौन देगा यार, इसी में सबसे बड़े मास्टरपीस इसी में बनते हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट इसमें बनते हैं, बड़ी उनकी बड़ी मूवी ब्लॉकबस्टर मूवीज सिर्फ बॉलीवुड ही बना सकता है, इसके अंदर ही एक टैलेंट है। और दूसरे टैलेंट को हम इतना नहीं मानते थे। और कर्नाटक के हवाले से अभी वीडियो में कहा भी उन्होंने कि कर्नाटक का तो लोग मजाक उड़ाते थे कुछ सालों पहले तक। अच्छा, इतनी तेजी से तरक्की हुई है कि 10-15 साल का अरसा मैं देखूँ तो बहुत बड़ा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। इसके अंदर साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की करी है, कर्नाटक का उसके बारे में तो शायद मैंने सुना भी नहीं था, और कर्नाटक का ने ऐसा मास्टरपीस बना डाला कंतारा। अच्छा, जिस सब्जेक्ट पे काम करते हैं, बाहुबली को आप ले लें, KGF को आप ले लें, कंतारा को आप ले लें, तीन अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट, पुष्पा को ले लें, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, उनको देख कर कभी कभी ऐसा भी लगता है खुश के कौन देखेगा इंटरनेशनल लेवल पर इसका हिट होना, क्योंकि अपनी कल्चरल दिखा रहे हैं, अपना थोड़ा सा अपना एक रहन सहन दिखाया जा रहा है, अपना सराउंडिंग दिखाया जा रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसका हिट होना, 400 करोड़ का बिजनेस करना, मेरे दिमाग कमाल या मेरे माइंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता कि चलो इंडिया में तो हिट हो जाएगी, तमिल में तो हिट हो जाएगी, लेकिन बाकी इंटरनेशनल लेवल पे तो मुश्किल है। लेकिन ऐसी मूवी बना डाली या ऐसा कुछ दिखा डाला है, क्योंकि मूवी मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन कुछ शॉट्स देखकर ही मुझे आइडिया हो रहा है कि अनबिलीवेबल है, कुछ बहुत ही यूनिक है, कुछ बहुत ही अमेजिंग, कुछ बहुत ही वंडरफुल दिखा दिया गया है। आप बता रहे थे ना, इतना बिजनेस कर लिया मूवी, आप बता रहे थे ना कि इस मूवी को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, कोई करने को तैयार नहीं था। और दूसरी चीज है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस क्या देगी, क्या करना, क्या मतलब निकलेगा इससे, तो लोग डर रहे होते हैं। इसके हवाले से ये कहा गया था, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ बात को, करें इसके हवाले से, हमें प्रीवियस कोई वीडियो दिखी थी जिसके अंदर फैक्ट्स बताए गए थे कंतारा के, तो उसमें ये कहा गया था कि कंतारा से लोग बच रहे थे, कंतारा से लोग भाग रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने तो उसको आधे में ही अटका दिया था क्योंकि कोविड के मसले मसाले आ गए, बहुत सारी मुश्किल, बहुत सारी परेशानी दरपेश थी। तो ऋषभ शेट्टी ने ये ठानी कि यार कुछ भी करके मुझे इसको कम्प्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अनथक मेहनत करी होगी, वो थके नहीं। और दूसरी बात, ये प्रोड्यूस भी खुद ही कर डाला, और आपने देखा था कॉस्ट्यूम के हवाले से भी उनकी वाइफ ने कॉस्ट्यूम डिजाइन करे और बहुत मेहनत पड़ी उसमें। तो मैं ही सोच रही हूँ आज वो लोग कितना पछताते होंगे, आज उनको कितना अफसोस होता होगा कि यार एक वक्त था कि हम इसको दूर दूर फिट कर रहे थे, हम कहते यार इसे हमसे दूर रखो, ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा और फिर हम इसकी शिकार हो जाएगी और फिर मूवी बिल्कुल डब्बे में बदल हो जाएगी और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। लेकिन जो जानबूझ के पीछे हटे, जिनकी मिन्नतें हो रही होंगी, जिनको बोला जा रहा होगा कि प्लीज़ आप आ जाएं या प्रोड्यूस कर दें, और फिर थक आके उन्होंने कहा कि मैं खुद करूँगा। अच्छा, उन्होंने भी जुनून की हद तक इसको एक तरीके से इसमें टाइम दिया, इसमें काम किया, इन्होंने इसको काम नहीं समझा, इन्होंने इसको यही समझा कि एक मूवी पैशन, पैशन मूवी है, बन जाती है ठीक है, हिट हो जाती है तो भी ठीक है, फ्लॉप हो जाती है तो भी ठीक है। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के मुँह से सुना है, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के मुँह से सुना है कि किस्मत की बात है, हमने काम कर दिया। लेकिन नहीं, काम सिर्फ करना नहीं होता, काम करना होता है पैशन के साथ 100%, कहीं पर भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो। 3-3 महीने पहले से अच्छा, साउथ रह रहे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। अच्छा, आपको लगता है कि साउथ के हम हवाले से बात करते हैं या नॉर्थ के हवाले से बात करते हैं इंडिया में, तो आपको लगता है साउथ की चीज़ों में बहुत मिस्ट्रीज दिखती है, बहुत ही ज़्यादा एक डीपनेस दिखती है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खानों के हवाले से, बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि ये ऐसा लगता है कि ये मतलब कि इनके अंदर तब्दीलियाँ ज़्यादा नहीं, तो मैं बोलता हूँ प्योरिटी दिखती है। तो एक वीडियो आई है ध्रुव राठे की साउथ और नॉर्थ के हवाले से, तो उसमें मैं देख रहा था, अभी अधूरी देखी थी, तो उसमें मैं सुन के हैरान हुआ कि इंडिया को अगर नीचे और ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें साउथ और नॉर्थ, तो नॉर्थ में तब्दीलियां आई हैं बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बाहर के जो कंट्री से बाहर से लोग आए हैं उसकी वजह से वहाँ पर खानों में, लैंग्वेज में, रहन सहन में। अच्छा, जब दूसरे लोग आते हैं तो शादी ब्याह भी होती हैं, तो उनकी आने वाली नस्ल वो प्योर नहीं रहती, साउथ में ये चीज कम हो गई। अच्छा, कहते हैं साउथ की चार लैंग्वेजेस हैं, चारों अपने आप में जुदा हैं, मलयालम, कर्नाटका, तमिल और एक कर्नाटका हो गई, एक तमिल हो गई, एक मलयालम हो गई, इस तरह से चार इनकी लैंग्वेजेस हैं। हाँ, चारों ही अपने आप में इनका अपना ही एक राइटिंग का स्टाइल है। दो सभी अच्छा, हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारी लैंग्वेज मिक्सअप होती है, फारसी मिक्स है हमारी लैंग्वेज, उर्दू में भी अगर आप बात करें फारसी है। अच्छा, ऊपर साउथ नॉर्थ की तरफ बता रहे थे कि नॉर्थ में है मिक्सअप लैंग्वेजेस में, जबान में, खानों में, यहाँ का सदियों पुराना कल्चर, सदियों पुराना। आज तक चार के चार लैंग्वेजेस जिंदा है,
अपनी एक अलग आइडेंटिटी है उनके अंदर, अपनी वो अपने आप में अलग अलग है। तभी वो अपनी रवायात को, तभी वो अपनी तहजीबों को, तभी वो अपने सराउंडिंग्स को जिस तरीके से शोकेस कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कंतारा मूवी के हवाले से थोड़ा सा मैं बात करूँ अगर, तो मैंने देखा है कि ये सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को ही दिखाया है, उन्होंने कोई मिक्सिंग नहीं दिखाई। वो जैसे प्योर हैं, वो जो उनके अबाउ उस्ताद थे, वो जैसे कुश्ती दर कुश्ती चले आ रहे हैं, कल्चर को फोकस किया, कोई शोकेस किया या अपनी चीज़ों को ही दिखाया। और मैं नहीं मानती थी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी, बिल्कुल अनुमान भी नहीं लगा पा रही। मुझे ऐसा लग रहा था रीजनल, अच्छा आपको याद होगा, अभी आपको एक फैक्ट और याद आएगा, इसकी डबिंग भी नहीं हुई थी, इसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में वो करा गया था, उसके बाद इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो करा ट्रांसलेट किया गया, ये डब किया गया। उस वक्त ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लाना है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा एक चीज और हमें सीखने को मिलती है कि अगर कोई भी शख्स पैशन से, जज्बे से, दिल से काम करे, दुनिया आपको सराहती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं, आप बस जाने देते हैं, अगर आप काम करते हैं और आप थक जाते हैं और आप बोर हो जाते हैं, तो समझ लें कि आपकी तरक्की रुक गई। अच्छा इसका बहुत बड़ा प्रूफ हमें मिलता है, बहुत बड़ा प्रूफ हमें इस बात से मिलता है। हम एक 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 अरसे तक सोचते थे, पहले सोचते थे कि यार हॉलीवुड नहीं तो बॉलीवुड और कोई कुछ भी, टॉलीवुड तो आप छोड़ दें, जान ही दें, ठीक है, और लॉलीवुड भी जान सीखे, लॉलीवुड की तो बातें ना करें हम, यहाँ कुछ भी नहीं करते। तो इसका बहुत बड़ा प्रूफ मिलता है, आप आजकल की जितनी मूवीज देखें, जब रिव्यू आप देखते हैं ना, या आप उससे बात करते हैं, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, आपको फॉर्म पता चल जाता है कि साउथ मूवी है कोई उसका रिमेक बना, साउथ मूवी है कोई उसका रिमेक बना। कितनी बड़ी बात है, यानी कि बॉलीवुड वाले खुद मान चुके हैं कि हम इनके सामने कुछ नहीं, प्रैक्टिकली जबान कुछ नहीं। और आप देखिए कि बड़े बड़े एक्ट्रेस या एक्टर्स जो है, आप ले लें आलिया भट्ट को, साउथ में जाके काम किया उन्होंने, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो अब इनके एक्टर्स भी ऐसा लगता है, इनको लगता है कि हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं, अब तो इन लोगों का फ्यूचर है, अब ये चमक रहे हैं। किसी ने अगर साउथ में जाके काम नहीं किया तो उन्होंने साउथ वाला काम किया है, साउथ वाला काम, मतलब साउथ वाला, साउथ वाला काम तो सबने किया है। तो देखते हैं पार्ट टू आता है क्या होता है, क्या स्टोरी बनती है। अच्छा आया भी सही ना, मैं आपको श्योरिटी के साथ बता दूँ, 3 साल कहीं नहीं है, अभी बनेगा, अभी सोचेंगे, अभी उसकी थीम बनेगी, फिर जाके कुछ होगा, लेकिन 3 साल कहीं नहीं है मुझे ऐसा लगता है। अच्छा इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया गया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसपे हम कहानी बना सकते हैं, कहाँ जाती है कहानी, मतलब ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप नहीं हुआ है मूवी में, फुल स्टॉप नहीं हुआ है, मटेरियल अभी काफी है, सीक्वल बनाने की काफी गुंजाइश। पुष्पा का पार्ट 2 आ गया नहीं आया ना मेरे ख्याल में, सिर्फ वही आई है ना, लेकिन देखते हैं कि पार्ट 2 इसका कहाँ जाता है। लेकिन वाकई लोगों ने बड़ा पसंद किया और मेहनत रंग लाई, और 400 करोड़, 3 महीने 400 करोड़, मुझे 3 महीने नहीं भूलते, 3 महीने पहले आकर रहन सहन अपना लिया, वही कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ड्रेसेस पहन रहे हैं, वैसे रह रहे हैं वहाँ के वासियों की तरह, मतलब सब कुछ अपना लिया 3 महीने पहले से। बहुत बड़ी बात अपने आप में, तो एक बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत जबरदस्त। दोबारा किसी वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।